हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दो तरीके से कटोरी ब्लाउज की कटिंग पेपर पे करना सीखेंगे। इस पर हम किसी नाप का ब्लाउज नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने इसके लिए पेपर ले लिया है और यहाँ पे देखिए हमने बैक और फ्रंट एक साथ कट करना है फ्रेंड्स। तो ब्लाउज की लंबाई देखिए 14 इंच की है, जिसमें हमने देखिए 16 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। 2 इंच हमने इसमें मार्जिन कर लिया है, 1 इंच बैक पार्ट के लिए है और 1 इंच फ्रंट के लिए है फ्रेंड्स। और देखिए हमने इस तरह से इसको मार्क कर लेना है और फिर इसी के अकॉर्डिंग में इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गले के अकॉर्डिंग ही अपना आर्म होल शोल्डर लेते हैं। तो हमने गले के अकॉर्डिंग अपना आर्म होल शोल्डर किस साइज़ में कितना रखना है इस टाइप का वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर दिया है फ्रेंड, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 इंच आर्म शोल्डर ले लिया है और 5.5 इंच आर्म होल को लिया है 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग। 10 इंच गले का डीप है और इस तरह से लाइन को देखिए मार्क कर लेना है। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, मार्जिन भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच बाहर की साइड लेते हैं, हमने आर्म होल का शेप देना है इस तरह से। अब नीचे देखिए कमर का चौथाई लेंगे, कमर 30 है तो हमने 7.5 इंच लेना है। इससे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेना है, ये हमारे बैक की लेंथ है। तो बैक की लेंथ पे हम कमर का चौथाई लेंगे, 1 इंच टक्स का लेंगे और 2 इंच मार्जिन का लेके इस तरह से पहले लाइन को मार्क कर लेंगे। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड, गले की चौड़ाई यहाँ पे हमने 2 इंच लेनी है। 10 इंच गला डीप है इसलिए हमने गले की चौड़ाई 2 इंच ही रखी है 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी गले के अकॉर्डिंग अपना आर्म होल्स और शोल्डर भी हम लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए नीचे की साइड हमने गले की ब्रॉडनेस 3 इंच ली है, नीचे की साइड आप ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका गला कभी गिरेगा नहीं। देखिए राउंड गले का शेप दे देना है, फिटिंग की मार्किंग भी लगा लेनी है फ्रेंड। कटोरी ब्लाउज में इसी फिटिंग के अकॉर्डिंग अगर हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो परफेक्ट सिलाई आती है। अब देखिए बैक का हमने टक्स लगा लेना है, तो जितनी हमारी कमर उसका सेंटर लेंगे और देखिए 1/2 इंच की हम टक्स लगा लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमने डीप ने गले के अकॉर्डिंग 1/2 इंच साइज उठाना होता है फ्रेंड। इससे क्या होता है कि हमारे आर्मल के पास झोल नहीं आता है। इस तरह से आप अगर उठाएंगे तो आपके आर्म होल के पास झोल भी नहीं आएगा और आपका गला कंधे से उतरेगा नहीं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे हमने 1/2 इंच से थोड़ा सा कम 2 पॉइंट पे शोल्डर को डाउन कर दिया है गले की साइड। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने बैक पार्ट को कट कर लिया फ्रेंड्स। ये देखिए शोल्डर डाउन को पहले कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, में बैक और फ्रंट हमारा एक साथ कट हुआ है तो हम दोनों को अलग कर लेते हैं, बैक को अलग कर लेते हैं फ्रंट को अलग। ये देखिए इस तरह से, तो ऊपर वाला हमारा बैक पार्ट है, नीचे का फ्रंट रहेगा फ्रेंड्स। तो इसमें से देखिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा जो मार्जिन है फ्रंट का उसको निकाल देंगे। अब जाके हमारा बैक पार्ट इस तरह से आएगा। और अभी हमने जो ये ऊपर की साइड उठाया फ्रेंड्स, आप ही इसको कट नहीं करेंगे, बाद में हम फ्रंट पार्ट में समझ करके इसको कट करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्म होल पर गहराई देंगे। तो इस तरह से हमने देखिए आर्म होल पर गहराई दे देनी है। तो देखिए फ्रेंड, आर्म होल पे गहराई हम 1/2 इंच पे देते हैं डीप नेक में। अब यहाँ पे देखिए गले के लिए 6.5 इंच लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। ब्रॉडनेस 3 इंच ले लेते हैं इस तरह से और राउंड शेप देंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखिए टक्स पॉइंट की लेंथ हम 10 इंच पे लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स चेस्ट हमारी 36 है, उसका चौथाई 9 इंच है। हम चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच टक्स के लिए लेते हैं। आप किसी भी साइज़ का बनाए फ्रेंड, 40 चेस्ट तक आप चेस्ट का चौथाई प्लस 1 इंच लें, 40 के बाद आप 1/2 इंच कम कर दें। और बेल्ट को हम देखिए टक्स से 2 इंच नीचे लेते हैं। इसी तरह से हम 32, 34, 36, 38, 40 किसी भी साइज़ का बनाएंगे फ्रेंड, इस तरह से बनाएंगे। और 1 इंच देखिए बेल्ट के लिए हमने ऊपर की साइड मार्क करना है। और देखिए चेस्ट का 10वां लेते हुए इस तरह से बेल्ट का शेप देना है। चेस्ट का 10वां फ्रंट 3.6 इंच इसमें आएगा, जितना भी आपका चेस्ट है बीच में पॉइंट आ जाता है चेस्ट पर अच्छा निकल जाता है। और यहाँ पे देखिए जब हमने 1/2 इंच बैक पार्ट में इस तरह उठाया है तो यहाँ पे भी हम 1/2 इंच उठा लेंगे। अगर हम बैक पार्ट में 1/2 इंच का मार्क नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर भी हम इस तरह से 1/2 इंच का मार्क नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा दोनों पार्ट बराबर आएगा। अगर हम एक पार्ट में 1/2 इंच का उठाएंगे, एक पार्ट में नहीं उठाएंगे तो हमारा ये पार्ट बराबर से नहीं आएगा। अब देखिए हम कटोरी का जो साइज लेते हैं फ्रेंड्स, हमेशा चेस्ट का छठा भाग लेते हैं। उसके पास देखिए यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे इस तरह से
तो इस तरह से देखिए हमने इस कटोरी का सेप मिलाना है गले के पास। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से गले के पास भी लेके आना है सेप को। आप चाहे तो गले को 1.5 इंच ऊपर ले सकते हैं या 1 इंच ऊपर, आप अपने अकॉर्डिंग गले की गले के सेप को ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब देखिए फ्रेंड कमर हम 1/2 इंच चौकाई का छोड़ के कमर का चौथाई लेंगे और 2 इंच मार्क कर लेंगे। बेल्ट को परफेक्ट कट कर लेंगे। चेस्ट के पास भी देखिए मार्क कर लेंगे। चेस्ट 36 से 9 पे हमने मार्क किया है, 2 इंच का मार्जिन लिया है फ्रेंड्स। और इस तरह देखिए इस तरह लाइन को मार्क करके अपने बेल्ट को परफेक्ट करेंगे, कट कर लेते हैं। ये देखिए तो यहाँ से हम बेल्ट को कट करेंगे फ्रेंड्स। जो हमने ऊपर की साइड 1/2 इंच उठाया उसको बेल्ट में नहीं लेंगे। तो देखिए इस तरह से करके हमने बेल्ट की परफेक्ट कटिंग कर ली है। अब देखिए ये जो हमारा 1/2 इंच इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच ऊपर की साइड उठाया है तो फ्रंट में भी 1/2 इंच ऊपर की साइड उठाया है फ्रेंड्स। अगर हम बैक में नहीं उठाएंगे तो फ्रंट में भी नहीं उठाएंगे, नहीं तो हमारा पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है। ये देखिए अब कटोरी को कट कर लेंगे। इस तरह से और यहाँ पे आरमोल की गहराई भी कट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बेल्ट और साइड के पार्ट को परफेक्ट कट कर लिया है। अब कटोरी को हम अलग से कट करेंगे। इस तरह से कटोरी कट करने के लिए फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेना होता है। तो ये देखिए कटोरी को हम इस तरह से रखेंगे जहाँ पे हमारा कपड़ा और ये भी हो। और ऐसे ही पहले इस कटोरी को हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए अब हमने दोनों साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी फ्रेंड्स। और इसे देखिए इस तरह से तिरछा मिलाना है। ये देखिए अब दूसरी साइड का जब शेप देंगे फ्रेंड्स तो हमारी जो कटोरी निकली इसी शेप को रखते हुए शेप देंगे तो हमारा सिलाई करते समय एकदम परफेक्ट आएगा इसका जॉइंट। ये देखिए इसी को रखते हुए हमने शेप को उतारना है इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए इस साइड हमने हुकाई का भी ले लेना है फ्रेंड्स। 1/2 इंच हम हुकाई का ले लेंगे और उसे देखिए सीधा मार्क करेंगे इस तरह से। अब जितना हमारा जितनी साइज़ की कटोरी इसका हम सेंटर ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब इस सेंटर से देखिए 1.5 इंच नीचे लेंगे, इस तरह से लेना है। और इसे देखिए इस तरह से ला के मिला देना है फ्रेंड्स। इसमें मार्जिन हमने बिल्कुल भी नहीं लेना है, नहीं तो हमारी कटोरी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से कट करेंगे फ्रेंड्स। आप किसी भी साइज़ की कटोरी कट करें तो इस तरह से कट करिएगा तब परफेक्ट आएगी। बस इसमें इतना ही होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा कपड़ा इसमें ज़्यादा जाता है क्योंकि हमारी दूसरी कटोरी कट हो रही है। हमने पहली कटोरी कट की है उतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा जाएगा। ये देखिए तुमने इस तरह से करके कटोरी को कट करना है। अब देखिए हम इस पर टक्स कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स। पहले 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ देंगे। फिर देखिए हमारी कटोरी 6 इंच की आएगी, इसकी साइज 6 इंच की है फ्रेंड। तो इसे हमने डबल फोल्ड किया, 3 इंच का ले लेंगे। इसके बाद जो कपड़ा बचेगा इसी के अकॉर्डिंग इस पर टक्स लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच आ रहा है टक्स का। तो हमने देखिए टक्स की लंबाई 3 इंच रखी है, 3 इंच या 2.5 इंच आप रख सकते हैं। और टक्स की चौड़ाई जो हमने है टक्स 1.5 इंच की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें टक्स लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए कट करके हम टक्स में पिन लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स तो इस कटोरी से एकदम परफेक्ट उभार आता है फ्रेंड्स। कटोरी बिल्कुल भी चिपटी नहीं होती है। इस साइज इस तरह की कटोरी हम हमेशा हर साइज़ में कट कर सकते हैं। हैवी साइज़ के लिए तो इसी तरह से कट करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये कटोरी एकदम परफेक्ट आती है, कहीं से भी चिपटी या दबी नहीं आती है। ये देखिए इस तरह से हमने एक तरह की कटोरी कट करना आपको बताया फ्रेंड्स। अब देखिए हम दूसरी कटोरी कट करेंगे, उसे कैसे कट करते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स हमने पहले सबसे पहले 2 इंच का मार्जिन लेना है। इसे हम डायरेक्ट कपड़े पे कट करते हैं फ्रेंड्स। हमने कटोरी यहाँ से इस वाले पार्ट में कटोरी को अलग से कट नहीं करना होता है। बस इतना होता है कि इसे हम हैवी साइज़ के लिए नहीं बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लंबाई भी नहीं बढ़ाई फ्रेंड्स, सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और एज स्टिच बैक पार्ट को उतार लिया है और आर्महोल पे हमने गहराई भी दे दी फ्रेंड्स। गले की लंबाई लेंगे 6.5 इंच जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में लिया था अभी। और टक्स हमने 10 पे लिया है और बेल्ट को 12 इंच पे लिया है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। बस हम इसमें इतना जानेंगे कि हम किस साइज़ पे कौन सी टाइप का कटोरी कट कर सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे उस वाले पार्ट में 2 इंच गला लिया था, यहाँ पे 3 इंच लिया था। इस तरह से गले की मार्किंग कर लेंगे फ्रेंड्स। इस वाली कटोरी को हम हैवी साइज़ के लिए नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसे 32, 34, 36 तक ही बना सकते हैं फ्रेंड। परफेक्ट कटोरी बनती है 32, 34, 36 के लिए। जिस जहाँ पर हमारा चेस्ट हैवी हो जाता है वहाँ पर हम इस तरह की कटोरी को नहीं कट करेंगे। इसे आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सिर्फ इसे 36 साइज़ तक ही हम कट कर सकते हैं। और देखिए जो यहाँ पे हमने 1/2 इंच कट किया है, यहाँ पे भी हम 1/2 इंच उठा लेंगे। अगर हम ये 1/2 इंच नहीं कट करते फ्रेंड तो ये 1/2 इंच हम यहाँ पे नहीं उठाते, नहीं तो हमारा पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे भी 1/2 इंच उठा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने बेल्ट की मार्किंग कर ली है। अब जितना पूरा हमारा पार्ट आ रहा है इसका हम 1/2 करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे, इस पर देखिए लाइन हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। और आर्म होल के पास देखिए फिर 2.5 इंच लेंगे इस तरह से। और इस तरह से देखिए गले के पास 1 इंच लेना है। इस तरह से तीनों पॉइंट को हमको मिलाना है तो हमारा कटोरी का शेप आ जाएगा, ये देखिए। अब हम इस साइड भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और अब देखिए इस कटोरी का हम सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम सेंटर निकाल लेंगे। अब इस सेंटर से 1.5 इंच नीचे लेते हैं फ्रेंड। इसमें हमने बेल्ट अलग से कट करना होता है और उस वाले ब्लाउज में हमने कटोरी अलग से कट करनी होती है फ्रेंड। इस ब्लाउज इस तरह की कटोरी कट करने के लिए हमारा कपड़ा 80 सेंटीमीटर में हमारी लाइनिंग कम्प्लीट हो जाती है, लेकिन अगर हम उस वाली कटोरी की कटिंग करेंगे तो हमें उसमें 1 मीटर लाइनिंग लेनी होती है फ्रेंड्स। अब देखिए हमने इस तरह से करके इसको मिलाना है। यहाँ पे 1/2 इंच हमने मार्जिन लेना है इस साइड, और देखिए हम मार्किंग के अकॉर्डिंग कटोरी को कट कर लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने जैसे मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। अब देखिए इसको इस सेंटर से फोल्ड करेंगे, कट लगाएंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे भी देखिए 1/2 इंच पहले हमने छोड़ देना है मार्जिन का, फिर हम कटोरी का साइज लेंगे। इसके बाद जो कपड़ा यहाँ पे बचेगा उसी का टक्स लगाएंगे फ्रेंड्स। इसमें 1 इंच ही कपड़ा बच रहा है, हमने दूसरी कटोरी जो कट की इसमें 1.5 इंच का टक्स आया था, इसमें 1 इंच का टक्स आया है। तो देखिए फ्रेंड्स टक्स के अकॉर्डिंग हमारा पफ बनता है, तो इसमें 1 इंच का टक्स है तो इसमें इसका पफ थोड़ा कम ही बनेगा। तो इस साइज़ की कटोरी फ्रेंड्स कभी भी आप हैवी साइज़ के लिए ना बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए आता परफेक्ट उभार इसमें भी है, लेकिन उस कटोरी के अकॉर्डिंग इसमें कम उभार आता है फ्रेंड्स। अब देखिए बेल्ट को हमने अलग से कट करना है, तो इसके लिए देखिए पहले हमने 1 इंच का मार्जिन ले लेना है, और यहाँ पे देखिए 1/2 इंच झुका कर ले लेंगे। कमर का चौथाई लेंगे फ्रेंड 7.5 इंच, ये देखिए 2 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरह से। पहले हमने देखिए हल्का सा तीरछा करके लाइन को मार्क करना है, ये देखिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमने बेल्ट को मेयर किया था 4.25 इंच इस साइड रहेगा 3.75 इंच, और 2.5 इस साइड 2.75 इंच। इस तरह से देखिए हमने शेप देना है बेल्ट का और कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस ब्लाउज की जो परफेक्ट फिटिंग है, एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है फ्रेंड्स। हमने कई सा ब्लाउज बनाया है पर हैवी साइज के लिए इसको नहीं बनाना है। देखिए एकदम परफेक्ट इसकी सिलाई भी आती है और बहुत ही कम कपड़े में ये ब्लाउज कंप्लीट हो जाता है, ये देखिए। पर फ्रेंड्स इसे हैवी साइज़ के लिए मत बनाइएगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा उभार कम आता है इस कटिंग के अकॉर्डिंग जो हमने पहले कटिंग बताई है, इसके अकॉर्डिंग उस वाले कटोरी में उभार थोड़ा सा कम आता है फ्रेंड्स, पफ थोड़ा सा कम बनता है। इसकी कटोरी एकदम परफेक्ट बनती है, इसे आप हैवी साइज़ या कम साइज़ सभी साइज़ के लिए बना सकते हैं। लेकिन अगर साइज़ आपका बहुत ही कम है यानी 32-34 है फ्रेंड, तो आप दूसरे तरीके से ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो इसमें फ्रेंड्स हमने आपको दोनों तरीके से ब्लाउज की कटिंग बता दी और कौन सा तरीका किस साइज़ में लेना है और कौन सा तरीका किस साइज़ में लेना है, इस तरह ये भी हमने आपको बताया है और बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।